Hello friends, welcome to my channel Garden Guide. Don't forget to like, share and subscribe to my videos. आज हम आपको स्पेशल लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे जो मनी प्लांट में यूज़ होता है. देखिए मेरे पत्तों में कितनी ज़्यादा चमक है, मैं वही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ. आज मैं आपको उसके न्यूट्रिशंस, उसके बारे में वो कैसे बनता है ये सब बताने वाली हूँ. देखिए मेरा मनी प्लांट में कितनी न्यू ग्रोथ हो रही है, इसके पत्ते कितने अच्छे हैं. चलिए हम शुरू करते हैं. उसके लिए हमें प्याज और लहसुन चाहिए. आजकल हम सभी अपने घर में प्याज और लहसुन यूज़ करते हैं और सब लहसुन और प्याज छील कर ही यूज़ करते हैं. तो लहसुन के छिलके और प्याज के भी छिलके हम एक बोल में इकट्ठे कर लेंगे. थोड़ा सा पानी डालकर हम उन्हें पहले इकट्ठे करेंगे, फिर हम उन दोनों को प्याज के छिलके से हमारे प्लांट में नरिशमेंट बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मिलता है. ये बहुत लाइट फर्टिलाइज़र होता है जो मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है. और ये जो लहसुन के छिलके होते हैं इससे कोई फंगस वंगस नहीं लगती है. इसकी स्मेल से फंगस और कीड़े हमारे मनी प्लांट में नहीं लगते हैं, क्योंकि मनी प्लांट में हमेशा थोड़ा मॉइस्चर होता ही है जिससे हमें फंगस और कीड़ों का डर होता है. लेकिन लहसुन अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके मनी प्लांट में कभी कीड़े नहीं लगेंगे. ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत लाइट और बहुत अच्छा होता है. मनी प्लांट में कोई हार्ड फर्टिलाइज़र मत डालिएगा, वो बहुत नाजुक पौधा होता है, बहुत जल जाता है बहुत जल्दी. देखिए 3 दिन हम इसको रखेंगे, 3 दिन के बाद ये थोड़ा गल जाएगा और इसे पानी में अपना सारा न्यूट्रिशन छोड़ देगा. हमें अब हम इसको जब मनी प्लांट में डालेंगे, अगर आपका मनी प्लांट बड़ा है तो आप इसमें 3 ढक्कन डाल दें, और अगर आपका मनी प्लांट छोटा है तो आप 1 ढक्कन डालें 6 से 7 दिन के गैप में. ध्यान से सुनिए, 6 से 7 दिन के गैप में आपको डालना है और सिर्फ पानी डालना है. प्याज के छिलके जो पानी में घुले हुए हैं वो नहीं डालने हैं, वो वेस्ट हो जाते हैं. और किसी बड़े मुँह की बॉटल में रखिएगा जिससे कि जब उसका पानी पूरा हम पौधों में डाल दें तो वो आराम से फेंक पाएँ. अगर आपको मेरा फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो, यूज़ करके देखिए, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. शुक्रिया.